सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। राजकीय सुजला कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के तहत 51.5% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव में कुल 2761 मतदाताओं में से 1422 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी सरकार चुन ली है। मतदान के लिए प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों ने वोट लाने और डलवाने के लिए अपनी पूरी ताकत दिन भर झोंके रखी। वहीं सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुए मतदान के दौरान कुचामण वृत्ताधिकारी नगाराम चौधरी के नेतृत्व में राजकीय सुजला कॉलेज में 5 थाना प्रभारियों सहित कुल 112 लोगों का पुलिस जाब्ता है वो एहतियातन तैनात किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच एस झूरिया ने बताया कि छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं। कार्यवाहक प्राचार्य शशिकांत गुप्ता की देखरेख में संपन्न हुए चुनाव में मतदान के लिए कुल 6 बूथ बनाए गए थे। सभी बूथों पर मतदाता विद्यार्थी कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखे गए। मतदान के साथ ही निर्दलीय अध्यक्ष प्रत्याशी अनुज पारीख, एवीवीपी के नरेश गुज्जर सहित उपाध्यक्ष व महासचिव पद के कुल 6 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद हो गया है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस आर बालान ने बताया कि बुधवार को इसके लिए मतगणना होगी और उसके बाद विजयी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी। बालान ने बताया कि सुबह 9 बजे तक पहले घंटे में 224 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और 8.11% मतदान संपन्न हुआ। वहीं 10 बजे तक 20.9, 11 बजे तक 31.44, 12 बजे तक 44.33% मतदान संपन्न हुआ। देखिए, मतदान संपन्न होने के बाद अध्यक्ष पद के दावेदारों तथा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के किस प्रकार से दावे किए हैं और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। प्रति बहुत आश्वस्त हूँ क्योंकि मेरे साथियों ने मेरा बहुत सहयोग किया है। दीवार की तरह मेरे साथ, चट्टान की तरह मेरे साथ एक साथ खड़े रहे हैं और बहुत अच्छी पोलिंग रही है। और मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कार्य किया है कि पूरी तरह मैं आश्वस्त हूँ और मेरे लिए पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं मतदाता। मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि हम जीतेंगे। हमारे पहले निर्दलीय उम्मीदवार संयुक्त सचिव के रूप में सुविधा नाटा पहले ही जीत चुकी है निर्विरोध और हम अब तीनों पूरा पैनल सहित बड़ी जीत दर्ज करेंगे। मतदाताओं का किन शब्दों में आभार करेंगे? मैं सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला और छात्र नीति के लिए वोट दिया। जैसे कि अभी सुला महाविद्यालय में चुनाव है तो चुनाव में वोटिंग 50% के आसपास रहेगी, तो उसमें सुला महाविद्यालय में एबीवीपी पुनः अपना परचम लहराएगी। सुला कॉलेज से वापस हैट्रिक लगाई जाएगी और सुला पूरा का पूरा विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल निकलेगा। सुबह से ही मतदाताओं के आप अवगत कर रहे हैं, मतदाताओं को रिझा रहे हैं, किस प्रकार का रुझान आपको देख रहे हैं? रुझान बहुत ही अच्छा लग रहा है कि विद्यार्थी परिषद के वोटर सपोर्टर आ रहे हैं और विद्यार्थी परिषद का एबीवीपी चौराहे पे बड़ी रौनक लगी हुई है, झड़ लगी हुई है मतदाताओं की। तीन प्रत्याशी आपके लड़ रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं कि तीनों जीतेंगे? हमने इस बार पैनल में नारी शक्ति को बढ़ावा दिया है, नारी सशक्तिकरण की बात रखी है। जैसे कि विद्यार्थी परिषद ने जब भी मुद्दा उठाया तो नारी सशक्तिकरण की बात की है। विद्यार्थी परिषद कोई भी कार्यक्रम ले लो, नारी सशक्तिकरण की बात होती है। तो इसमें हमने नीचे उपाध्यक्ष पे बहन रेणु खोकर और बहन सावित्री मेघवाल को जगह मिली है और उसमें वो पुनः पूरा पैनल निकलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है वातावरण, जीत की संभावना भी लग रही है, फिर ऊपर वाले की मर्जी है। एबीवीपी से तीन प्रत्याशी लड़ रहे हैं, क्या लगता है जीत श्योर है? अभी माहौल को देख के तो लग रहा है जीत है पक्का। 2 सालों से जीत रही है एबीवीपी, तो इस साल भी जीत होगी। एबीवीपी के कौन से काम है जो उनको जीत की ओर ले जाएंगे? सुरक्षा जो कि सबसे खास मुद्दा है, जो कि एबीवीपी ने ही सबसे पहले उठाया नारी सशक्तिकरण का, और जो कि झांसी की रानी की वाली जयंती होती है उस पर कबड्डी की प्रतियोगिता रखी जाती है गर्ल्स के लिए, वो भी एबीवीपी ने ही रखी है। गर्ल्स के सपोर्ट में सबसे ज़्यादा रहती है एबीवीपी, आगे ही रहती है। दौर चल रहा है, कितने शोर हैं जीत के लिए? देखो अभी तो माहौल अच्छा लग रहा है, 50% लगभग वोटिंग हो चुकी है और हमारे जो अध्यक्ष पर अनुज पारीख उनका सुधारण माहौल भी अच्छा है और गांव से हम जुड़े हैं तो वो वोट मिल जाएंगे। और एक हमारा उप महासचिव है भाई रामदेव मेघवाल, वो एनसीसी कैंडिडेट है, तो
तो उसका सपोर्ट मिल जाए तो शायद ऐसा अभी माहौल है कि संभावना पूरी संभावना है। बाकी जीत तो पेट में दर्ज हो चुकी है, उसका पता चल जाएगा कल। पैनल के प्रति कितने आश्वस्त हैं, तीनों प्रत्याशी जीतेंगे या नहीं? देखिए अभी तो शोर तो वैसे नहीं है, संभावना पूरी है कि अनुज पारिक और मैं उपाध्यक्ष पर और ये भाई रामदेव मेघवाल या जो महासचिव पर हैं पूरा पैनल जीतेगा।